चौबन सिरान, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। कैसे हैं आपके हाल वाल? वेलकम टू इंटरलाकन। राज, अगर ये तुझे प्यार करती है तो ये पलट के देखेगी। I'm sorry. क्या कहा आपने? पलट। I'm sorry. मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। पलट। कोई बात नहीं सेनोरिटा, कोई बात नहीं। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं। और अभी हम इंटरलॉकन में, और जनाब ये है वो जगह जहाँ शाहरुख खान ने काजल को फ्लावर दिया था, के बाद फ्लावर से निकालता है पानी, वो वाला सीन यहाँ पर लिया गया था। ऐसे भागा था आप लोग सकते हो, ये जगह इंटरलॉकन है। और ये देखें वो दो ट्री दरख्त लगी हुए, ये वाला भी उसी तरह का, ये शावर भी पीछे है, ये वैसे का वैसे ही सीन है। और एक और जगह जो आपने शायद आपको पता ही नहीं है, अगर इससे सीधा आप इस तरफ देखेंगे ना, वो सामने अंदर वो कसीनो के अंदर नहीं जाना, बस थोड़ा सा उसके पास जाना है। मैं आपको बताता हूँ वहाँ जाके वहाँ क्या था। वो सामने स्टैचू लगा हुआ यश राज का, और इन्होंने DDLJ मूवी को प्रोड्यूस किया था। ये वो कैमरा था जिसके साथ इन्होंने फिल्म बनाई थी DDLJ। ये उधर उन्होंने हम पक्का रख दिया, इनको इंटरलॉकन का एम्बेसडर बनाया गया था, ये लिखा भी हुआ यश चोपड़ा। और एक और बात बता दूं, जहाँ मैं खड़ा हूँ ना, यहाँ पर एक और सॉन्ग की भी शूट हुई है, जो है एक संजय दत्त का सॉन्ग, बहुत ही मशहूर, वो भी इस जगह के ऊपर ही शूट हुआ है, जिसके बैक साइड पे आप देखेंगे तो वो कसीनो नज़र आ रहा है और ये शावर नज़र आ रहा है। और इसके अलावा और सीन जो नेक्स्ट दो टोन है उनमें लिए गए थे, एक गास्टेड और दूसरे का नाम है सैनन। अब हम वहाँ चलते हैं और वहाँ का भी आपको दिखाते हैं कहाँ कहाँ पे वो सीन लिया गया था। अभी मैं जिस सिटी के अंदर मौजूद हूँ जनाब, इस सिटी का नाम है सैनन, सैनन के बकरी का नाम है। और जहाँ मैं बैठा हूँ ये पीछे आप देख रहे हैं, ये छोटा सा फुटबॉल का स्टेडियम बना हुआ है, और सीन यहाँ का भी एक लिया गया। और उसके बाद वो सामने ब्रिज, ये वाला ब्रिज, इस ब्रिज के ऊपर भी एक सीन लिया गया। और इस ब्रिज के ऊपर जनाब उन्होंने शाहरुख खान और काजल की पिक्चर भी लगाई हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ चलें। ये जनाब ब्रिज, यहाँ वाले जनाब ये लगी हुई है तस्वीर, देखें ये वाले सैनन ब्रिज, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। और इसके साथ ही जनाब एक छोटा सा एयरपोर्ट है, वहां पर भी एक शाहरुख खान का सीन लिया गया है। और चर्च जनाब देखना ना, वो तो यहाँ से वो सामने जब शाहरुख खान और काजल उसके अंदर जाते हैं, तो चर्च मैंने बताया। और इसके साथ ये है जनाब सैनन रेलवे स्टेशन, जिसके ऊपर एक सीन लिया गया था जब काजल जो है वो ट्रेन के ऊपर थी और शाहरुख खान पीछे भाग रहा था ट्रेन के ऊपर, ट्रेन को पकड़ने के लिए।
ये है जी हमारा होटल, और अभी तक हमको रिसेप्शन पर कोई भी नहीं है। बेल बजाते हैं, बेल। The next day. आज मुझे मॉर्निंग में जल्दी उठना पड़ा है क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं मज़ीद इस शहर में रुक सकूं, इसलिए मैं सुबह सुबह मॉर्निंग में जल्दी से तैयार होकर इस शहर की तरफ चला गया, जिस शहर में बहुत सारी मूवीज़ अपने दौर की बहुत हिट हिट मूवीज़ की शूटिंग हो चुकी है, जैसे कि शाहरुख खान की, गोविंदा की, रानी मुखर्जी वगैरह वगैरह, और संजय दत्त की भी एक गाने की शूटिंग यहाँ पर हो चुकी है। इसके अलावा और पुरानी मूवीज़ में भी बहुत सारी मूवीज़ शूट हो चुकी हैं, लेकिन मैं आपको कुछ मूवीज़ के बारे में आपको बताता हूँ कि जो यहाँ पर शूट हो चुकी हैं। तो यहाँ पर गोविंदा और करिश्मा कपूर का गाना ये शूट किया गया है, और इसी गली में जब आप राइट लेते हो तो राइट साइड पर शाहरुख और काजल का मूवी का वो गाना शूट किया गया है, जिधर वो काजल भाग रही है और शाहरुख खान उसे पीछे से पकड़ने की कोशिश कर रहा है। और थोड़ा सा आप इस सिटी में आप पैदल चलते जाओ तो आगे आएगी अर्ली बैक, एक बार है कफे बार, जहाँ पर काजल जब इस बार के अंदर एंटर हो जाती है और वो यहाँ पर शूट हो चुका है। और इसके अलावा बिल्कुल इसके सामने रानी मुखर्जी का गाना शूट किया जा चुका है। इसके अलावा इसके साथ थोड़ा सा आगे जाएं तो आगे एक आता है बैंक जिसका नाम है सैनन बैंक, और यहाँ पर सैनन बैंक के बिल्कुल सामने संजय दत्त का एक गाना थोड़ा सा शूट किया। पहली नजर नहीं दुनिया है तुझमें कहीं, पल दो पल का ये सफर, पल दो पल का सा। मानने में ये टोन तो बहुत छोटा है, लेकिन ये बहुत ही मशहूर टोन है। मसलन के यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं और बॉलीवुड की बहुत सारी मूवी की शूटिंग की गई है। तो ये था गास्टर्ड सिटी, ये मैंने आपको दिखा दिया है, और आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टारा। शाहरुख का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है? डॉट डॉट। कोई बात नहीं सेनोरिटा, कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी